नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। साथियों, कहीं भी रहें सावधान रहें और अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। इस दुनिया में स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया, आदमी घर पर बैठ गया, तो कुछ भी नहीं है और चिंता में आदमी पड़ जाता है, जिससे और शरीर जो है सूखने लगता है। तो ऐसा न करें, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें। तो साथियों, कुत्ता अपने दरवाजे का शेर होता है। अगर वही कुत्ता अपना घर छोड़ के दूसरे जगह जाता है तो क्या करता है? अपने दुम को पेट में घुसा के और सिकुड़ के घूमता है। और वही कुत्ता जब अपने घर पर आ जाता है तो शेर बनता है जी। किसी को देखकर भौंकना चालू करता है, दहाड़ता है। तो यह कुत्ते का रहा कि तो उसी तरह से भी कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो अपने घर के शेर हैं और वही घर से बाहर जब निकलते तो बिल्कुल चूहे के जैसे छुपे फिरते हैं जी। तो साथियों, यह कुछ रही शायरी बात और आगे हम अब आपको वीडियो का विवरण दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में एक वशीकरण टोटका दिया जा रहा है जो कि बिल्कुल आसान और सहज है। तो इसमें आपको दो मटेरियल लेना है जी। काले कपड़ा थोड़ा सा, काले कपड़े से सभी लोग परिचित हैं लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा। और लहसुन, वही लहसुन जो मसाले हैं जी साग सब्जी में पड़ती है, तो लहसुन देख लीजिए। तो साथियों, ये रही काला कपड़ा, ये काला कपड़ा रहा और ये रहा लहसुन। लहसुन से सभी लोग परिचित हैं लेकिन इसमें से आपको मात्र पांच कली लेना है जी, पांच। देखिए, आपको मात्र पांच लेना है जी और लेकर उसको छील दीजिए। और छीलने के बाद उसको सुरक्षित रखिए। अब मैं उसका विवरण दे रहा हूँ। लहसुन दिखा दिया, तो लहसुन आपको आखा नहीं लेना है, उसकी जो है पांच कलियां लेनी है उसमें से निकाल के, और उसको छोल दीजिए। ऊपर का जो है जो पर्दा है उसको हटा दीजिए। तो बुधवार के दिन पांच लहसुन की कलियां लें और उसके बाद उनको काले कपड़े के अंदर बांधकर अपने सिरहाने रख दें जी। रात्रि के समय सिरहाने अपना रखना है जी, सर के नीचे। और रखते समय और कपड़ा में बांधते समय उस व्यक्ति का ध्यान दें जिसे आपको बस में करना है। और जब सुबह सोकर उठें तो सबकी नज़र बचाकर उन सभी को किसी नीम के पेड़ के ऊपर लटका कर घर आ जाएं। और इस कार्य के दौरान उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहें जिसको आप बस में करना चाहते हैं। अब आपका कार्य सफल होता दिखाई देगा। तो साथियों, नीम के पेड़ से सभी लोग परिचित हैं। गाँव में, खेतों में कहीं नीम का पेड़ आपको मिल जाएगा। और यह सब क्रिया करने के बाद सुबह जो है कोई देख न पावे, यह टोटका है, चुपके से लाके उसको नीम के पेड़ में उसको बांध दें, लटका दें।
यह आपका हो गया टोटका पूरा। अब वह जो है वशीकरण का प्रभाव चालू हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं होता है तो आप फिर कुछ दिन के बाद, 10 दिन या 15 दिन के बाद दोबारा कर लें, फिर दोबारा कर लें, आपका काम बिल्कुल बन जाएगा। तो इसी तरह से हम आपको वीडियो देता रहूँगा और आप घर बैठे वीडियो का आनंद लें। और अब फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।